वेलकम फॉर द फिजिक्स लेक्चर. सो बेटा लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट मेनी थिंग्स पुट टुगेदर. आई थिंक वी हैव सीन अबाउट ईएमएफ एंड टर्मिनल ईडी पोटेंशियल डिफरेंस. हम लोगों ने सीखा है ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पीडी क्या होता है. पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. तो ईएमएफ मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक बैटरी लिया आपने, सपोज ये बैटरी है, क्या होता है ये बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, प्लस एंड माइनस. सपोज ये बैटरी मैंने सर्किट में लगा दी, तो बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम होता है. मतलब सेल का क्या होता है, सेल या बैटरी वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो आपको मालूम ही है. तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते करते क्या होता है, उसमें यहाँ से सपोज मैंने इसको कनेक्ट किया, एक्चुअली ऐसा नहीं करते, इसको शॉर्ट बोलते हैं, बीच में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हम डालते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं तो बैटरी शॉर्ट होगा टर्मिनल. तो अभी क्या होगा, इसके यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके सॉरी, इसके यहाँ निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो निगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो निगेटिव टर्मिनल को हमारे इलेक्ट्रॉन उधर रहेंगे और उधर से वंस द सर्किट इज स्टार्टेड, सर्किट इज कनेक्टेड विद अ स्विच एंड रेजिस्टर, क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद रखना है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है. इसीलिए देयरफॉर कन्वेंशनल डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज always opposite to flow of electrons. तो जिस डिरेक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन जाता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डिरेक्शन में अपना हम करंट लेते हैं. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव गया तो अपना डिरेक्शन ऑफ करंट ऐसे लेता है. therefore conventional direction of current, ये क्या होता है, always from positive to negative, very important. तो आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए कि बैटरी में और सेल में, आउट ऑफ द सेल क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल क्या बन जाएगा, अपना सोर्स बन जाएगा. निगेटिव टर्मिनल विल बी बिकमिंग द सोर्स एंड निगेटिव टर्मिनल विल बी सेंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव. इसीलिए करंट जाएगा मेरा ऐसे, अभी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे जाएंगे तो मेरा करंट कैसे जाएगा, तो ये मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये दिखा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा आउट ऑफ द बैटरी. और कन्वेंशनल डिरेक्शन ऑफ करंट हम ऐसे ले, करंट जाएगा यहां से यहां, तो ये आपको ठीक से ध्यान में रखना है. करंट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वेर एज द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अभी नहीं समझेगा लेकिन अपने 12th क्लास में आप अगर जाओगे तो वहां पे ये सब चीजें आपको बहुत यूजफुल होने वाली है. तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द
अबाउट द बैटरी। ओके, तो पहले मैं कंप्लीट करके लेता हूँ, बाद में आप इसको नोट करो। तो अभी हमने सीखा क्या क्या सीखा, बैटरी के आउट ऑफ द बैटरी ये सब है, या आउट ऑफ द बैटरी के बाहर, बैटरी के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाते हैं, और करंट कैसे जाता है, इसीलिए हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेते हैं, करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव लेते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। लेकिन अंदर में क्या है, अंदर में आपको अगर देखना है तो ये अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको लगेगा अब ऐसा कैसा सर, पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव भी कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच रखा, स्विच ऑन किया, सर्किट हो गया कनेक्ट, ना सर्किट नहीं कनेक्ट हुआ। सर्किट आपका तब तक कनेक्ट नहीं होगा जब तक आप कंसिडर नहीं करोगे अंदर क्या होगा, अंदर ये जो गैप है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पूरा करना पड़ेगा उनको, मतलब इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। तो इनसाइड द बैटरी क्या होता है, इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड दे कम अक्रॉस इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नाउ इनसाइड अ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट ना, इनसाइड आउटसाइड नहीं, इनसाइड अ सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ठीक से देखा, आउटसाइड नहीं, आउटसाइड का दिखाया, इनसाइड इनसाइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इन दिस जर्नी ऐसे ही लिखवा, मतलब आपको वो समझ में आएगा, एज ए नोट बन जाएगा। तो उस जर्नी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, सो इट हैज टू कम ओवर द रेजिस्टेंस गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि देखो मैं जा रहा हूँ रास्ते के ऊपर, एंड द रोड हैज से ट्रैफिक, रोड को ट्रैफिक है, तो मेरे को ट्रैफिक को चीरते हुए आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ थोड़ा तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा चल रहा हूँ तो मुझे कम एनर्जी लगेगी, बट अगर मैं सामने पानी है और पानी में जा रहा हूँ तो पानी में जाने के लिए मेरे को ज़्यादा क्या लगेगा, वर्क करना पड़ेगा। आई मीन टू से दैट इफ आई एम मूविंग इन वाटर आई हैव टू लूज माई मोर एनर्जी, इंस्टेड इफ आई एम मूविंग इन एयर आई विल नॉट यूज माई मच एनर्जी। आर यू गेटिंग पॉइंट, सो इनसाइड से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ दे कम अक्रॉस इलेक्ट्रोलाइट as a medium, तो अंदर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट opposes the flow of electrons. क्या क्या किया, कल का ही पॉइंट है, कल का ही पॉइंट हम सीखने वाले, ईएमएफ क्या है, टर्मिनल फ्लिप है, तो ईएमएफ में क्या बताया, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अंदर, तो यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए बैटरी ने कितना वर्क किया, वो हो जाएगा उसका ईएमएफ। ओके, लेकिन उसका यूनिट आएगा आपका वोल्ट, नॉट जूल। तो आप ऐसा कैसे कैसे बोल सकते हो सर, एक तो आप बोलते हो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, यहाँ पे बोलते हो वो वर्क डन होता है, तो वर्क डन है तो उसका यूनिट वोल्ट कैसे आएगा, बताता हूँ। वोल्टेज का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, वी का, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर हमने चार्ज को यूनिट किया, चार्ज को यूनिट किया वर्क डन बोले, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो है उधर, तो वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, दैट इज ई एम एफ। तो ई एम एफ बैटरी का समझ गया मतलब, अपनी जो जो सेल है, ड्राई सेल है, पेंसिल सेल है, जो भी है आपका राउंड वाला है, हाँ सीमॉस कौन सा भी, और बड़ा वाला बैटरी है गाड़ी का, सबका ई एम एफ का मतलब क्या आएगा आपका, अगर उस बैटरी को या उस सेल को अगर मैंने कुछ भी लोड दिया नहीं, मतलब ट्रक का बैटरी है मैंने कनेक्ट नहीं किया है ट्रक से, कार का बैटरी है कार से कनेक्ट नहीं किया, घर में यूपीएस का बैटरी है मैंने कनेक्ट नहीं किया है, खाली रखा है, अपना ड्राई सेल है उसको टॉर्च में नहीं डाला है, तो अगर वो यूज़ में नहीं है, लोड से कनेक्टेड नहीं है, तो उस चीज़ में अगर मैंने उसका पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अगर मेजर किया, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, आइडियली मैंने डेफिनेशन बता दिया, प्रैक्टिकली कैसे दिखेंगे, किसी भी सेल को ले लो, किसी भी बैटरी को ले लो, जस्ट उसका अगर विदाउट कनेक्टिंग एनी लोड, जस्ट उसका अगर वोल्टेज हमने चेक किया तो क्या बच जाएगा, वो ईएमएफ बन जाएगा। और अभी सर्किट में जोड़ने के बाद, वाइल आफ्टर कनेक्टिंग इन अ सर्किट, मतलब लोड दिया उसको कुछ और बाद में उसके अक्रॉस अपने पोटेंशियल मेजर किया, तो वो बच जाएगा उसका टर्मिनल पीडी, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके समझ गए बेटा। तो पहले हमने सीखा ईएमएफ क्या होता है आइडियली और प्रैक्टिकली, बाद में हमने सीखा वंस अगेन वी हैव टेकन द आइडिया अबाउट द टर्मिनल पीडी, वो भी सीखा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको क्या बताया, और एक चीज होती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या है? अभी मैंने जो आपको बताया कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको उसका अपोज के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोलाइट के अपोज के अगेंस्ट वो अपोज करेगा ना, वो मीडियम है, चिकना चिकना मीडियम होता है एकदम, हाँ NH4 आई थिंक NH4Cl और हाँ वो NH4OH समथिंग लाइक दैट, जेल फॉर्म में होता है, वो केमिस्ट्री में आपको आएगा। तो उसके अगेंस्ट मैं ड्राई सेल का बात कर रहा हूँ, हर एक सेल का अपना अपना इलेक्ट्रोलाइट अलग होता है, किसमें हम एसिड भी यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, वो तो उसको उसके अगेंस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए उसको कुछ तो रेजिस्टेंस मिलता है, और वो रेजिस्टेंस बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अभी टेंथ के लिए आपको बोर्ड में इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पीडी ये आपको नहीं, लेकिन फाउंडेशन के लिए आपके प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये आएगा, इसलिए आपको बता दें। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके चलते जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था मैंने, ईएमएफ ये क्या है आइडियली कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ आप नोट डाउन भी कर सकते हो, कल दिया होगा शायद, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ये हो गया आइडिया डेफिनेशन लिखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। और आपका प्रैक्टिकली देखा तो कौन सा भी अगर लोड उसको कनेक्ट नहीं किया है, नो लोड, तो प्रैक्टिकली नो लोड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पीडी। और उसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज टर्मिनल पीडी। समझ गए बेटा? ओके। तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलेंगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी इटसेल्फ और सेल, उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। बन गया ठीक। अब इसको यहां से यहां पे कट कर देते, उसके बाद में आई नो दैट आई थिंक यू वुड हैव सीन द लेक्चर्स ऑफ मैडम, शी हैज ऑलरेडी गिवन द ओम्स लॉ एंड ऑल द प्रूफ्स, तो मैं उधर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूँगा, आपको मेन मेन चीज़ें ओम्स लॉ में बताऊँगा एंड फिर हम इधर आएंगे और यूज़ ऑफ ओम्स लॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, शैल वी मूव फर्दर? ओके, सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन आई विल मूव फर्दर।
ओके। इसके बाद बताते हैं ओहम सूत्र। कैसे आता है? सपोज मैंने सर्किट किया, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट, अब तक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट सीखा, तो ओहम्स लॉ में क्या है? तो ओहम्स लॉ में हम एक सर्किट लेते हैं और उसमें क्या आता है वो देखते हैं। तो एक सपोज मैंने सर्किट यहां पे सेल रखा है, दिस इज माय की एंड दिस इज माय वन कंडक्टर, ये मैंने कंडक्टर कनेक्ट किया आपकी सर्किट। तभी आपको मालूम है पॉजिटिव टर्मिनल ये बन गया, नेगेटिव टर्मिनल ये बन गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागेगा? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट वी डोंट वांट। अब लोग क्या चाहिए? हमने चाहिए करंट। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स करंट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे ऐसा जाएगा। बन गया। तो ओहम्स लॉ क्या बताता है? सो लॉन्ग एज, मतलब जब तक, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट, तो पहला बन गया था फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं आपके साथ एक पतला दुबला आदमी, ऐसे ही दिखता हूं ना। हाँ, अभी शर्ट चेंज किया, अभी आज तो अपना एकेडमिक का स्कूल का शर्ट, ये टी शर्ट डाला है, तो ऐसे दिख रहा हूँ, दूसरा शर्ट अलग दिखता हूँ, लेकिन मेरा जो पोस्चर है, बॉडी का फिजिक है, वो नहीं चेंज होगा। मैं इतना एकदम बड़ा नहीं बन सकता या एकदम हाइटेड नहीं बन सकता, हाँ, लेकिन एक दो तीन साल के बाद शायद मैं थोड़ा सा मोटा हो सकता हूँ, नहीं तो और दुबला हो सकता हूँ। तो वो मेरा बन गया फिजिकल स्टेट, बराबर। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये रबर है मेरे पास, ये रबर है, तो रबर को मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, बराबर। अभी क्या हो गया? रबर को स्ट्रेच करने के बाद क्या हो रहा है? रबर का लेंथ चेंज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? अभी अभी तो नहीं, ऐसा चबाया उसको हो जाएगा, नहीं तो बड़ा फोर्स डाल तो हो जाएगा। तो ऐसे ही कौन सा भी कंडक्टर लिया तो उसके फिजिकल स्टेट में क्या क्या आता है? फिजिकल स्टेट में आता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्चुअली फिजिकल स्टेट में नहीं आता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्परेचर बढ़ा है तो बॉडी का मतलब वो कंडक्टर में एक्सपांड, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका डायरेक्ट एक्सपांड नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, रेजिस्टिविटी वगैरह होता है, वो चेंज हो सकता है। तो सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन्स द सेम, अगर इसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल मैंने बदला नहीं, जो टेम्परेचर था उसको भी बदला नहीं, आई हैव नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, इट मीन्स दैट आई हैव नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई हैव नॉट चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, आई हैव नॉट चेंज द मटेरियल, मीन्स इफ आई टेक एल्यूमिनियम देन आई एम कीपिंग दैट एल्यूमिनियम ओनली, if I am taking copper then I will keeping copper only, if I am taking any other that I will iron I will continue, so long as the physical state, that is the length, area of cross section, material of any conductor remains the same, to kya ho jayega? To is case mein current through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. So long as the physical state of any conductor remains the same, the current through the conductor is always directly proportional
टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स। ओके, तो मैं लॉ लिख के देता हूँ, आप उस लॉ को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट इंटू ब्रैकेट क्या क्या बन जाएगा, लेंथ कॉमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमा मटेरियल और टेम्परेचर भी बिटा देते हैं, so long as मतलब जब तक फिजिकल स्टेट दैट इज लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, यह आपको बीच में लिखने का जरूरत नहीं है, ये सेपरेटली ध्यान में रखें। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब वो आता है, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट इज लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। सो लॉन्ग एज फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम देन करंट थ्रू द कंडक्टर इज directly proportional to the potential applied across its two end, potential applied across its two एंड्स। तो सपोज मैंने यहां पे एक कंडक्टर बना दिया, ओके, उस कंडक्टर को जोड़ा और यहां पे सेल जोड़ा, तो ये बन जाएगा के, की बोलता हूं इसको ई बोलता हूं, बैटरी है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये करंट भाग रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, आई बताओ इसको, और यहां पे मैंने जोड़ा अपना वोल्ट मीटर, तो आपको वोल्ट मीटर मालूम है वी, और यहाँ पे बीच में मैं क्या करता हूँ, एक छोटा एमीटर जोड़ता हूँ करंट की मेजरमेंट के लिए। तो अभी मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्या क्या करूँगा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं टेबल बनाऊंगा क्या, पहले मैं क्या क्या करते करते जाऊँगा, मैं ये करूँगा पोटेंशियल चेंज करूँगा और करंट करूँगा, तो हम क्या एक्चुअली करेंगे, वी एक्चुअली दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टू डिफरेंट व्यूज, कभी कभी आई वर्सेस वी भी दिखाते हैं तो वो आ जाता है 1/r आपका, बराबर, तो वो भी आ जाता है, तो उसमें कुछ ये नहीं है, तो 1/r को कॉन्स्टेंट बोलते हैं और उसमें r को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, बराबर, तो आपको समझने के लिए, तो अगर मैंने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया मतलब क्या किया, पहले पोटेंशियल रखा 5 वोल्ट, करंट देखा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट देखा और बढ़ाया करंट देखा, और मैंने वैल्यू प्लॉट किया, वैल्यू कैसे प्लॉट कर देना, यहाँ पे वी लिखा और यहाँ पे आई लिखा और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को मैंने लिख के दिया टेबल में। अभी ये टेबल का अगर मैंने प्लॉट किया तो मेरे को समझा ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू आई, ये चौथी आई, ये पांचवी आई, ऐसा मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो अगर मैंने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसे समझता है that V is directly proportional to I. तो अभी अभी हमने सीखा है क्या, तो अगर इसका स्लोप ले लेंगे, इसका स्लोप ले लेंगे, स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा V upon I. Of course delta V upon delta I. तो अपने को समझने के लिए उसको हम सोच सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं V by R. तो actually V is proportional to I. And V is equal to I into R. So where R will be your constant of proportionality. So where
R is equal to constant and it is called as resistance of a conductor. Resistance of a conductor. तो इसको बोलते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस. तो मतलब जितना V by I रेशो बड़ा आएगा, मतलब इसका इतना स्लोप ऐसे उधर गया तो ये V बढ़ेगा, I कम हो जाएगा, R बढ़ेगा. ये ऐसे गए, ऐसे गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कम हो जाएगा, I बढ़ जाएगा. तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो R कम हो जाएगा. मतलब ये ग्राफ में इफ स्लोप विल इंक्रीज मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, एंड इफ स्लोप विल डिक्रीज मीन्स वॉट, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज मोर, इट इंप्लाइज रेजिस्टेंस इज more, and vice versa. अगर वो less है तो ये भी less बन जाए. So let me recollect all the things. So long as the physical state of any conductor remains the same. Physical state means length, area of cross section, material, temperature. So long as physical state of any conductor remains the same, then current through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its two ends. और ऐसे हम उसको प्रूव करते हैं. तो वी बाय आई, वी वर्सेस आई का ग्राफ अपना आएगा ऐसा, उसका स्लोप बन जाएगा वी बाय आर. उसी स्लोप को क्या बोलते हैं हम, विच इज इक्वल टू आर, विच इज इक्वल टू आर बन गया. तो आई विल सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो आफ्टर दिस एंड नोट दिस डाउन, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नोट किया? अब इसके बाद आगे जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करने का, तो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम हम बाद में सीखेंगे. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. फर्स्ट हम सीखेंगे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो है वो ओम, बताने का जरूरत नहीं. SI यूनिट of resistance is equal to ohm, उसको बोलते हैं ohm. ऐसा है क्या resistance is ohm. अभी जाते हैं देखने के लिए properties of resistance. Okay? So resistance so long as the physical state of any conductor remains the same, तो उसमें जो physical state है, तो resistance depends on, so resistance of a conductor, resistance of a conductor depends on number one length, number two अभी जो होता है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है. नंबर तीन मटेरियल, ओके, एंड नंबर फोर टेम्परेचर. तो आउट ऑफ दैट ये जो दो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उनको अगर हमने लिया तो एक प्रॉपर रिलेशन है लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जनरली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो ये कंडक्टर लिया ना, ये कंडक्टर लिया, इसको बोलते हैं ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल. समझ गए? तो अभी मैंने ये जो कंडक्टर लिया, तो इस कंडक्टर के लिए बेटा, इस कंडक्टर के लिए
R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. R is directly proportional to L and inversely proportional to A. So combine the can I write R is proportional to L upon A. Therefore, R will be equal to some constant into L upon A. If A is proportional to B, then I can write A is equal to some constant into B. वैसे ही if R is proportional to L upon A, then I can say that R is equal to some constant into L upon A. तो अगर उसको मैंने लिखा था कैसे लिख सकता हूँ मैं, therefore I can write R is equal to rho into L upon A. R is equal to rho into L upon A. Where rho is called as, rho को बोलते हैं resistivity of the material. Rho को क्या बोलते हैं? Resistivity of the material. Rho को क्या बोलते हैं? Resistivity of the material. और SI unit of rho क्या होता है? SI unit of rho इसको बोलते हैं rho. Rho के लिए formula क्या बनेगा? Rho के लिए formula बनेगा R A upon L. R का यूनिट क्या है? ओम. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. L का यूनिट मीटर. मीटर ने मीटर को काटा, ओम मीटर. तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बन जाएगा ओम मीटर. और ओम मीटर. ओम रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर. बन गया. देयर इज वन मोर क्वांटिटी व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आज के लेक्चर में ही पूरा आपको करवा के देता हूँ, आपको भी प्रॉब्लम नहीं है. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. उसको बोलते हैं सिग्मा. उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा. कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? सिग्मा. इसको क्या बोलते हैं? रो. इसको बोलेगा रो. तो इसको क्या बोलते हैं? रो बोलेगा रो. और इसको बोलते हैं सिग्मा. तो कंडक्टिविटी है इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा बनेगा आपका एमएचओ. MHO बोलते हैं, सीमेन भी बोलते हैं उसको. MHO लिखने के लिए अच्छा है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख के लीजिए. हाँ, तो ठीक है, इतना हमने भी लिख लिया है. और इसको रिवाइज करो दो तीन, आई थिंक टू थ्री टाइम्स यू हैव टू सी दिस. वंस यू विल सी नाइसली एंड मेक योर नोट्स, देन आई थिंक यू विल बी क्लियरिंग योर पॉइंट्स. ओके, स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ट्रबल यू मे डायरेक्टली आस्क. Okay, so first of all pause the video and note this down. तो बन गया, हो गया. अभी हम क्या है, ये जो रो सिग्मा है, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट हैं अपने फिजिक्स में, वो सब जान के लेते हैं फटाफट. ओके, उस कॉन्स्टेंट का आपको मैं ये देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ. तो वो कॉन्स्टेंट क्या है बता, आज ही बताइए पूरा. तो वो कॉन्स्टेंट है, वो कांस्टेंट है पहले से, इसको बोलते हैं थीटा. हाँ, इसको बोलते हैं डेल्टा. डेल्टा को ऐसे भी लिख सकते हैं. हाँ, इसको बोलते हैं डैबा. डबा नहीं, इसको बोलते हैं डैबा. डैबा ओके. बाद में इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन. एप्सिलॉन ओके ना. इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई. बराबर, फाई के बाद में बहुत सारे हैं. इसको बोलते हैं हाथी के, हाथी को होते हैं ना वो, उसको बोलते हैं ईटा.
थीटा डेल्टा डेबा रो सिग्मा थीटा इप्सिलॉन फाई ईटा ओके बहुत सारे हैं बहुत है ये तो आपको मालूम है। ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, ये बन गया गामा, ये डेल्टा तो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा रो सिग्मा बन गया और क्या क्या बन गया हाँ और एक होता है ऐसा एक्स जैसा निकलते हैं इसको बोलते हैं काय। क्या बोलते हैं काय मराठी में काय बोलते काय मतलब काय ओके इट्स काय ओके नॉट स्काय इट्स काय के ओके। बाद में और एक आता है त्रिशूल जैसा त्रिशूल निकलता है जैसे शंकर भगवान का त्रिशूल दिखाते हैं ऐसा अगर दिखा उसको बोलते साय पी साइलेंट है तो उसका प्रोनाउंसिएशन साय ही करते हैं साय। सो ये हो गया थीटा डेल्टा फाई और क्या क्या बहुत सारे हैं सिंबल बेटा और भी बहुत हैं हाँ ओमेगा क्या बोलते हैं उसको ओमेगा कभी कभी इसको भी ओमेगा बोलते हैं केमिस्ट्री में इसको ओमेगा बोलते हैं कभी कभी होता है एप्सिलॉन हो गया एप्सिलॉन हाँ अभी बहुत है बहुत सारे हैं इसको बोलते हैं न्यू यू ऐसे ऐसे दो ऐसे करके कर्सिव में लिखते हैं वैसा इसको बोलते हैं न्यू इसको बोलते हैं वी जैसा नहीं करने का लेकिन टाइगर का जो नाखून होता है ना वैसा तो उसको बोलते हैं न्यू ये पहला है न्यू ये है न्यू इसको बोलते हैं लैंडा इसको बोलते हैं लैंडा। तो ठीक है बच्चों बहुत सारे सिंबल मैंने लिख के दिए एक दो दो पाँच मिनट बचे थे मेरे प्लानिंग में से तो उनको मैंने यूटिलाइज किया आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस और मेनी सिंबल भी है वो तो आप कहाँ से भी नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है तो ये आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मैंने रेजिस्टेंस दिया है तो उसको उस चीज़ को आप देखो ओहम्स लॉ देखो उसके बाद में उसको कनेक्ट करते हुए हम क्या देखेंगे कि अपना फिर से बैटरी का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें क्या क्या फॉर्मूला है और बाद में हम जाएंगे रेजिस्टेंस पे जो प्रॉब्लम आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स ग्रुपिंग बैलेंस रेजिस्टेंस नेटवर्क स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन मेनी है आपको लिखने के लिए आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने बहुत प्रॉब्लम है तो उसमें मेरे पास तो बहुत उसके हैं तो उसका प्रॉब्लम मैडम भी दे देंगे आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कमिंग विद दैट सेल इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पीडी एंड विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स कैलकुलेटिंग करंट वोल्टेज कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ओके तो डिपेंडिंग ऑन ओहम्स लॉ देर आर मेनी 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 प्रॉब्लम्स एंड वेट फॉर सम टाइम आई विल बी कमिंग विद दोज प्रॉब्लम्स ओके सो टिल दैट जो जो काम दिया आपको कल भी दिया है मैंने कुछ काम तो वो काम एक्सपेक्टिंग आप करोगे है ना आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू सो देखो अभी मेरी बाजू से मैंने मेरा काम पूरा किया एंड नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू कंप्लीट योर वर्क आई नो दैट ऑनलाइन समटाइम्स यू मे बी फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम तो मेरा डाउट सेशन होता है कल भी मेरे डाउट सेशन को अच्छी रिस्पॉन्स मिली है 15-20 बच्चे तो थे बीच में आके चले गए आज के डाउट सेशन को भी आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम क्या बोलते हैं सेम नंबर वो भीड़ आना होता है ओके एंड सून वंस आई विल बी रेडी विथ माई लैब आई जस्ट डोंट हैव माई लैपटॉप विथ मी इट्स नॉट वर्किंग सो वंस आई विल बी हैविंग आई मे स्टार्ट विथ लाइव लेक्चर्स फॉर डाउट सेशन ओके सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी गूगल मीट भी चालू करूँगा देखते हैं कैसे क्या होता है तो टिल दैट डू योर स्टडी नाइसली मेक प्रिपेयर योर नोट्स मेक बैकअप ऑफ ऑल द थिंग्स एंड वंस अगेन नेक्स्ट लेक्चर विल बी अगेन मीटिंग विद नेक्स्ट पॉइंट टिल दैट स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स थैंक यू थैंक्स अ लॉट हैप्पी लर्निंग बाय बाय